अच्छा हुआ मेरे को शादी से पहले सब कुछ पता चल गया, वरना तो मेरे को भी इसके साथ यही काम करना पड़ता। तो क्या हुआ, काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। हाँ छोटा बड़ा नहीं होता, पर झूठ बोलना अच्छा भी नहीं होता। और वैसे भी जब तुम्हें ये सब काम करना था तो तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी। देख मेरे को लग रहा है शायद यही है, आप पूछते हैं। अब तो ठीक हो ही जाएगी, बहुत मेहनत करवा दी इसने। ओ हेलो, इस बाइक का मालिक का है? ये मैं ठीक कर रहा था, खराब हो गई थी। तुम हो कौन वैसे? तुम पायल? हाँ। तुम्हारी मम्मी ने मेरे बारे में बताया नहीं? तुम रवि? हाँ। ये देखो मेरी मम्मी ने किसे देखा है, एक मैकेनिक को। मैंने ऐसे क्यों बोल रही है? यार तुझे नहीं पता आजकल है ना ऐसी हो रहा है, तू चुप रह। मम्मी से झूठ बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई एक भी बात? तुमने क्या बोला था, मैं बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा घर है मेरा, इतना पैसा है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या। कोई मजबूरी होगी इनकी। तो मजबूरी थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी। लगता है मेरी मम्मी को है ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक मैकेनिक को देखा है वो भी मेरे लिए। मम्मी ने तो बोला था कि वो बिजनेसमैन है, और ये बिजनेसमैन कहाँ से लग रहा है ये। यार कोई मजबूरी भी हो सकती है बहन। यार तू चुप रह, मतलब ऐसे नहीं बोलते ना। यार तेरे को नहीं पता आजकल लोग है ना ऐसी हो रहे हैं, बताते कुछ है और निकलते कुछ है। अच्छा हुआ मेरे को शादी से पहले सब कुछ पता चल गया, वरना तो मेरे को भी इसके साथ यही काम करना पड़ता। तो क्या हुआ, काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। हाँ छोटा बड़ा नहीं होता, पर झूठ बोलना अच्छा भी नहीं होता। और वैसे भी जब तुम्हें ये सब काम करना था तो तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी। इससे अच्छा है ना जाके कोई ढंग का काम कर ले, जाके जॉब कर ले, कम से कम दो पैसे तो मिलेंगे तेरे को। बदतमीज कहीं का, चल यार मूड खराब कर दिया इसने सारा। अरे पायल जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सही सोच रही हूँ जो भी सोच रही हूँ, और वैसे भी अब तो मेरे को सब कुछ देख ही गया, तो मैं तो तुम्हारे से शादी करने से गई। थोड़ा अच्छे से बात कर यार। फाइल ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये पर्स बच्चों का पर्स लेके जाऊंगी मैं, तुम्हें शर्म नहीं आती ये पर्स देते हुए? तुमने क्या मेरे को बच्ची समझ रखा है? ये पर्स लेके चलूंगी मैं। यार सॉरी आपसे मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। चल यार यहाँ से। सुनो अरे भाई मुझे तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं दिखा। अरे भाई मैंने आपकी बाइक को ठीक कर दिया है यार। धन्यवाद भाई साहब। आओ स्टार्ट हो रही है। ओए तो बिल्कुल चलो कर रहा हूँ। ठीक है ब्रदर। ओके मिलते हैं। ओके एक मिनट, वो बाइक तुम्हारी नहीं थी? नहीं वो बाइक मेरी नहीं थी, वो तुम्हें गाड़ी दिख रही है वो गाड़ी है मेरी गाड़ी। अब रवि मुझे माफ कर दो, मैंने तो बहुत ज्यादा गलत समझ लिया तुम्हें। ओ तो बस मैं ऐसे ही मदद कर रहा था एक भाई की। क्या बात है यार, तेल भी है सब कुछ है यार। अरे भाई कैसे परेशान हो रहे हो? अरे भाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही यार, मुझे तो जल्दी है जाना भी है। अच्छा घर पे काम है, आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? बोलो भाई। आप दो मिनट यहाँ खड़े हो जाओ, मैं किसी मैकेनिक को देख के लेके आता हूँ। ठीक है ब्रदर। ठीक है भाई। पता नहीं मैंने अनजाने में तुम्हें क्या क्या बोल दिया, और वैसे भी मम्मी ने तो मुझे बोला था कि तुम्हारे पास बड़ा घर है गाड़ी है, तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बाइक के पास में काम करते हुए देखा तो मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे लगा तुम मैकेनिक हो। प्लीज रवि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक हुआ पायल, मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता लग गया, वरना शादी के बाद अगर पता लगता तो सब कुछ खत्म हो जाता। रवि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पायल जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, ये तुम्हारी सोच का फर्क है।
रवि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सच में बहुत गलत समझ लिया तुम्हें। और वैसे भी वो बाइक ऐसी थी कि मतलब उसे देख के मुझे लगा कि आप मैकेनिक हो, आप काम कर रहे थे इस तरीके से, तो प्लीज मेरे को माफ कर दो। वैसे भी मम्मी ने तो बोला था कि लड़का बहुत अच्छा है, प्लीज माफ कर दो। मैंने तो आपको पता नहीं क्या क्या समझ लिया, क्या क्या बोल दिया उल्टा सीधा। और मम्मी ने तो सारी चीज़ें मुझे बताई थी कि बहुत अमीर है और अच्छे घराने से है, बिजनेसमैन है। प्लीज रवि बाय।